गाजा में जिस हमास का फन कुचलने का दावा इजरायली फौज ने किया था, अब वही हमास गाजा के अलग अलग हिस्सों में फन फैलाकर IDF को डसने में लगा है। एक तरफ जहां हिजबुल्ला इजरायल के ऊपर भीषण रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा IDF के लिए मौत का जाल बन गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गाजा से आने वाले ये वीडियोस इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजा के जबालिया में IDF के ऊपर हुए अटैक की, जिसमें इजरायली सेना को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि IDF को गाजा में क्या नुकसान हुआ है, उससे पहले आपको अल कासिम ब्रिगेड का ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो गाजा के जबालिया का है, जिसमें अल कासिम ब्रिगेड का एक लड़ाका एक रॉकेट नुमा विस्फोटक पर कुछ लिखता हुआ दिखता है। इसके बाद हमास के दो लड़ाके इस विस्फोटक को बाहर रास्ते में मलबे के नीचे दबा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास का एक लड़ाका CCTV कैमरे के जरिए इस रास्ते पर नजर रखे होता है, और तभी वहां से IDF का एक मेरकावा टैंक गुजरता है, और जैसे ही ये टैंक बारूद वाली जगह पर पहुंचता है, वैसे ही हमास का लड़ाका रिमोट कंट्रोल से इस IED में ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। दरअसल इस धमाके में IDF की 401वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दक्सा और एक बटालियन कमांडर की मौत हो जाती है। उनके साथ कुछ और अधिकारी भी इस टैंक में मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि कर्नल एहसान की उम्र 41 साल की थी और वो दलियत अल करमेल के ट्रूज कस्बे के रहने वाले थे। बड़ी बात यह है कि कर्नल एहसान IDF के सबसे सीनियर कमांडर्स में से एक थे, जिनकी गाजा की लड़ाई में जान चली गई है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने IDF के 4 कर्नल्स को मार गिराया था, और अब ये संख्या 6 पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कर्नल एहसान की मौत टैंक के भीतर नहीं, बल्कि टैंक के बाहर हुई है। IDF की रिपोर्ट के मुताबिक वो अन्य अधिकारियों के साथ टैंक के बाहर कुछ ही मीटर दूरी पर मुआयना करने आए थे, तभी वहां मौजूद IED में ब्लास्ट हो गया। IDF के मुताबिक जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, वहां पर बूबी ट्रैप लगा था, जिसमें कमांडर एहसान दक्सा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 52वीं बटालियन के कमांडर और 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जिस वक्त यह हमला हुआ, उसी वक्त जवालिया कैंप में अल कासिम ब्रिगेड ने भी IDF के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें दिख रहा है कि दूर एक बिल्डिंग में IDF के जवानों ने पोजीशन ले रखी है, तभी अल कासिम के लड़ाके उस बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद एक खंडर पड़ी इमारत में अल कासिम के 3 से 4 लड़ाके रॉकेट लेकर घुसते हैं, और वो उसके सामने जा रहे IDF के बुलडोजर पर ये रॉकेट फायर कर देते हैं। इसके बाद IDF के रास्ते में लगे एक बूबी ट्रैप को भी उड़ा दिया जाता है, जिसकी चपेट में IDF का एक टैंक आ जाता है। और इसके बाद हमास का एक लड़ाका मलबे के बीचों बीच खड़े एक टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है। और इसके कुछ ही देर बाद एक लड़ाका मशीन गन से IDF के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है, और इस हमले के दौरान ही अलकुद्स के लड़ाके जबालिया कैंप के बीचों बीच
अलकसासिब में आईडीएफ के एक मरकावा टैंक पर आरपीजी दागते हैं और अलकुद्स के इस वीडियो में पहले तो दबे पांव दो लड़ाके हथियार लेकर गलियों में भागते नजर आते हैं। इसके बाद ये लड़ाके एक घर में छिपकर दूर खड़े आईडीएफ के दो टैंकों पर आरपीजी दाग देते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद वहां पर आईडीएफ के दो सैनिक भागते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस हमले में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।